नमस्कार एनबीसी न्यूज 24 मेरा पार्षद मेरा वार्ड में आपका स्वागत है। प्रदेश के निकाय चुनाव होने में महज 4 महीने और बचे हैं। चुनावी चिंता के चलते निगम के मेयर से लेकर जनप्रतिनिधि की नींद खुलने लगी है और चुनावी फायदे के लिए करने लगे हैं जगह जगह पर शुभारंभ। लेकिन शहर में अव्यवस्था के हालात कुछ और ही बयां करते दिखाई दे रहे हैं। अगर पूरे 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो शहर के हालात बहुत ही खराब हैं। कई जगहों पर हालात ऐसे हैं कि सड़कों के बीच बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन परेशानियों को लेकर कई बार प्रशासन को भी अवगत कराया है, लेकिन स्वाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। इसी का जायजा लेने के लिए एनबीसी न्यूज 24 अपने विशेष कार्यक्रम मेरा पार्षद मेरा वार्ड के तहत पहुँच रहा है शहर के हर वार्ड में, वहाँ के लोगों से रूबरू होने और जाने अपने पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। इसी क्रम में आज एनबीसी न्यूज 24 की टीम पहुँची है शहर के वार्ड नंबर 3 में। देखते हैं क्या है यहाँ के हालात। जैसे ही हमारी टीम वार्ड नंबर 3 के जोड़ला पावर हाउस के पास स्थित महादेव नगर पहुँची तो कॉलोनी में पानी के निकास को लेकर कोई नालियाँ नहीं बनी हुई मिली। जब हम वहाँ रुके तो स्थानीय लोग टीम के चारों ओर हो गए और अपनी समस्या गिनाने लगे। उन्होंने सबसे पहले तो निगम प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और कहा कि यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या है। जहाँ सरकार और नगर निगम शुद्ध पेयजल आपूर्ति की बात करता है तो यहाँ देखने पर उनके सभी दावे खोखले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्थानीय लोग पानी पानी कहकर हाहाकार मचा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा खाने से ज़्यादा पानी पर खर्च होता है क्योंकि टैंकर ही इतना महंगा आता है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम फ्लोराइड युक्त टैंकर का पानी पीने पर मजबूर है। ऐसे में कैसे हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, ये तो भगवान भरोसे है। इस समस्या को तो हल करवानी पड़ेगी, सरकार को करना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। वोट के टाइम में सरकार क्यों याद करती हमें, और वैसे याद क्यों नहीं करती हमें, वैसे याद क्यों नहीं रखती, वैसे हमारा ध्यान क्यों नहीं रखती है। जेडी अप्रूव हो गए इसको 3 कितने साल हो गए अपने 6-7 पानी ब्लॉक हो गया कॉलोनी का। वो जो सीसी रोड डली है वो कम से कम 1 हाथ ऊंची डल गई और वो पानी ब्लॉक हो गया। वहाँ का पानी भी यहाँ ब्लॉक हो गया, वो पानी अंदर आ रहा है पूरा। अब कॉलोनी में इतना पानी भर जाता है कि अगर गाड़ी भी नहीं निकल सकती, मतलब गाड़ी में बैठ के निकले तो। सरकार ने आमजन के लिए पानी की कितनी व्यवस्था कर रखी है ये तो आपने सुन ही लिया होगा। इसी क्रम में हम और आगे बढ़े और लोगों से बात की तो उन्होंने प्रशासन को लेकर जो बात कही वो हैरान करने वाली है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि एक तो हमारी कॉलोनी में सड़क नहीं है, दूसरी ओर रोड लाइट नहीं होने की वजह से यहाँ शाम होते ही अंधेरा पसर जाता है, जिससे बच्चे महिलाएं और बड़े बुजुर्ग आए दिन गिरते रहते हैं। लेकिन हम जाए तो कहाँ जाए, कोई रास्ता भी तो नहीं है। बात को लेकर जनप्रतिनिधियों के पास जाते भी हैं तो सिर्फ मिलता है आश्वासन। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि स्थानीय वार्ड पार्षद भी इसी कॉलोनी में रहता है लेकिन हमारी समस्याएं उन्हें दिखती ही नहीं है। लाइट के खंभे अभी तक भी कॉलोनी के अंदर नहीं है, आगे तक जो आगे कोने मकान बना रखा है उसकी कोई सुविधा नहीं है, यार समस्या है। और पार्षद के कहने की बात यह है कि उसको सब चीज़ का पता है, कोई उसको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे परिवार से वो बाहर से है नहीं, फिर भी नहीं कर रहा है तो क्या कर सकते हैं। तो कितने नंबर देंगे आप देख लो, चारों ही चीज़ नहीं है तो नंबर क्या देंगे। 6 फुट खड्डा है रोड के अंदर। यहाँ की पानी की समस्या है, पानी जाने की परेशानी है, यानी कि रोड नालियाँ नहीं बनी हुई है। इसके लिए आपने कुछ अधिकारियों से कहा? लोगों ने अधिकारी सुनते ही नहीं है कॉलोनी में, बोर्ड लेने तो आ जाते हैं बाकी सुनते कुछ नहीं। यानी कि जनप्रतिनिधि वगैरह आप लोगों से बोर्ड लेने आते हैं और समस्या सुनने के लिए आपका कोई भी नहीं है? नहीं सुनते। कॉलोनी वालों ने कभी इसका विरोध नहीं किया क्या? विरोध करते हैं, सुनते ही नहीं है, पार्षद भी नहीं सुनता है और कोई भी नहीं सुनता है। इतना ही नहीं, जब इनसे कचरा निस्तारण की बात की गई तो महिलाओं का गुस्सा फपक पड़ा और कहने लगी कचरे की गाड़ी तो हमने देखी ही नहीं, कब आती है और कब जाती है। साथ ही कुछ महिलाओं ने ये भी कहा कि कचरे की गाड़ी आती तो है लेकिन पार्षद के घर से कचरा लेकर चली जाती है। इन सभी परेशानियों के चलते लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि 3 महीने बाद चुनाव आ रहे हैं, हम झूठे वादे करने वाले नेताओं को उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। टैंकर वालों से पानी आ रहा है क्या? टैंकर तो हम डलवाते हैं, कोई मनमानी ले रहा है 300 ले लेगा 400 ले लेगा टैंकर का। नहीं कोई कचरे वाली गाड़ी है, कचरे वाली गाड़ी आ रही है 400। कचरे वाली गाड़ी आती है और आगे कार्ड है, कोई तो बोलता है कार्ड है क्या आपके पास?
लाइट के खंभे अभी तक भी कॉलोनी के अंदर नहीं है। आगे तक जो आगे कोने मकान बना रखा है उसकी कोई सुविधा नहीं है, यार समस्या है। और पार्षद के कहने की बात यह है कि उसको सब चीज का पता है, कोई उसको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे परिवार से वो बाहर से है नहीं, फिर भी नहीं कर रहा है तो क्या कर सकते। तो कितने नंबर देंगे आप देख लो, चारों ही चीज नहीं है तो नंबर क्या देंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं नेताओं की सक्रियता तो बढ़ने लगी है, लेकिन जनता है साहब अपना हिसाब तो मांगेगी, क्योंकि बाजी अब इनके हाथों में है। फिलहाल इतना ही, आने वाले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक वार्ड की पुरानी समस्याओं के साथ और दिखाएंगे जिम्मेदारों को वार्ड की हकीकत। देखते रहिए NBC News 24। नमस्कार, सब्सक्राइब करें, ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।